ये रिश्ता क्या कहलाता है में स्वर्णा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस पारुल चौहान ने इस शो को अलविदा कह दिया है। अब इस खबर से तो आप वाकिफ हो ही गए हैं, लेकिन आखिर शो में उनके रोल को आगे ले जाने के लिए कौन सी एक्ट्रेस जगह लेने वाली है, अब ताज़ा खबर ये है। ऐसे में खबर ये सामने आई है कि शो में एक्ट्रेस नियति जोशी स्वर्णा के किरदार में आपको आगे दिखेंगी। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि मेकर्स ने एक्ट्रेस नियति जोशी को इस रोल के लिए फाइनल कर दिया है और अब जल्द ही नियति शो में पारुल को रिप्लेस करेंगी और शो की शूटिंग शुरू कर देंगी। वैसे आपको बता दें कि पारुल चौहान ने करीब 2.5 साल पहले इस शो में हिना खान की जगह ली थी। हालांकि वो अक्षरा बनकर तो शो में नहीं आई थी, मगर कार्तिक की मां बनकर उन्होंने शो में नया तड़का जरूर ऐड किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने अक्षरा की कमी को पूरा भी किया था। लेकिन अब खबरों के मुताबिक पारुल भी अपने रोल से संतुष्ट नहीं थी और इसीलिए उन्होंने फाइनली शो से एग्जिट कर ली। बात करें नियति की तो नियति भी कई बड़े शोज का हिस्सा रही हैं। सात फेरे, कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन उन्हें शोज में से एक है। लेकिन अगर बात करें ये रिश्ता क्या कहलाता है में नियति की एंट्री की, तो अभी फिलहाल इस बात पर कंफर्मेशन की मोहर नहीं लगी है। लेकिन कहा जा रहा है कि मेकर्स ने नियति के नाम को फाइनल कर लिया है, तो अब ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि अगर नियति ही शो की नई स्वर्णा बनेंगी तो वो किस तरह अपने किरदार के साथ न्याय करेंगी ये देखना होगा। तो अब शो की इस नई स्वर्णा के बारे में क्या ख्याल है आपका, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।